हाय डाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आजकल काफ़ी ज़्यादा केमिकल एक्सपोलिएशन इस टर्म के बारे में बातें हो रही हैं आई नो मोस्ट ऑफ यू आर कन्फ्यूज कि यार अब ये क्या है क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है कि हर बार कुछ ना कुछ एक नए टर्म्स को इंट्रोड्यूस करके ये ब्यूटी कंपनी वाले ना अपना बिजनेस चलाते हैं बट कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि विथ एडवांस टेक्नोलॉजी हमें सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए बिफोर यूजिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट सो हे आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपको सारी चीज़ें पहले बता दूँ आपको पता होना चाहिए कि वॉट इज दिस टर्म आई वॉन्ट यू गाइज टू बी फेमिलियर विद दिस Term and then I'll to you कि आप कैसे इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं so, ado, की अगर मैं बात करूं एक्सफोलिएशन का मतलब जो आपके डेड सेल्स जो होते हैं ना आपके फेस पे आपके स्किन सरफेस पे जो डेड सेल्स होते हैं जनरली हम क्या करते हैं अपने फेस को वॉश करते हैं मोस्टली कभी कभार वीक में एक से दो बार हम अपना फेस स्क्रबिंग कर लेते हैं सो मैनुअल स्क्रबिंग करने से कई हद तक हमारे जो डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव तो हो जाते हैं बट आप में से कई लोगों ने ये चीज़ हमेशा नोटिस की होगी कि जो स्क्रबिंग होती है जो स्क्रब करते वक्त जो यू नो you know, जो पार्टिकल्स होते हैं स्क्रब में वो कभी कभार इतने ज़्यादा हार्श हो जाते हैं कि हमारा जो स्किन है हमारा जो फेस है उसमें रेडनेस हो, हो जाती है इरीटेशन हो जाती है तो ये तो है फिजिकल एक्सपोलिएशन इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल में आता है केमिकल एक्सफोलिएशन इन विच आपको बहुत सारे डिफरेंट नेचुरल फ्रूट्स के एसिड्स मिलेंगे केमिकल एक्सफोलिएशन की के अगर मैं बात करूं तो थ्री डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है ए एच ए बी एच एंड पी एच ए एच ए इज योर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बी एच ए इज योर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड पी एच ए इज पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड नाउ अभी जितना भी आप प्रोडक्ट के बारे में सुन रहे होंगे केमिकल एक्सफोलिएशन से आपको मोस्टली एच ए एंड बी एच ए के बारे में सुन

क्लॉग हो चुके होते हैं उनको अनक्लॉग करता है इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है एंड जो एक्ने प्रोन स्किन जिनकी होती है ना जिनकी वजह से लाइक like, जो सीबम रिलीज होता है जिनकी वजह से एक्ने होती है उनको भी कई हद तक रोकने का काम करता है नाउ एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो एसिड्स हैं इनको यूज करने के पहले हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कंसंट्रेशन जरूर देख लीजिएगा नाउ बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड आपको ए एच एंड बी एच ए नहीं यूज करना है पहली बार में धीरे धीरे पहले आप अपने स्किन को हैविचुएट करवाइए एंड देन गो फॉर अ हायर परसेंटेज सो अगर आप केमिकल एक्सपोलियेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको दो से दस परसेंट वाले बीच के आपको प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने होंगे जिनमें ए एच ए एंड बी एच ए टू टू टेन परसेंट ही रहे

तो वो टिंगलिंग इफेक्ट की वजह से इसका मतलब घबराइएगा नहीं कि अरे यार ये कहीं साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो गया टिंगलिंग इफेक्ट से क्या होता है कि आपको ये पता चलेगा कि ओके दिस प्रोडक्ट इज़ वर्किंग फॉर यू अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको कब यूज़ नहीं करना है इस सिरम को नाउ अगर आपके फेस पे जरा सा भी कोई वुंड है कट है तो आप इसको बिल्कुल भी यूज मत करिएगा दूसरी चीज़ जब भी आप इसको यूज करें तो मेक श्योर sure कि आप अपने आँख के आसपास के रीजन को अवॉइड करें बिल्कुल भी आँख के आसपास नहीं लगाना है इस प्रोडक्ट को सो so, ये सिरम लगाने के दस मिनट बाद आप कोल्ड वाटर से रिंस ऑफ कर दीजिएगा हमेशा आप मेक श्योर sure करें कि ये जो सिरम आप यूज़ कर रहे हैं इसको नाइट टाइम में यूज़ करें और अगर आप डे टाइम में यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर sure कि आप एस पी एफ प्रोटेक्टेड जो सनस्क्रीन होते हैं उसका यूज़ जरूर करें अब मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बता देती हूँ so, ये थर्टी एम का बॉटल है जिसकी प्राइस है वन थाउजेंड सो ये तो हो गई केमिकल एक्सपोलियेशन की बातें नाउ आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट क्ले मास्क सो क्ले मास्क की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले मास्क होते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं नाउ अगर मैं बात करूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करने हैं या फिर अगर मान लीजिए कहीं पे व्हाइट हेड्स है डेड सेल्स है उनको रिमूव करना है तो उनके लिए डिटॉक्सिफाइंग जो मास्क

इसको आप अगर जो भी एरिया है जहाँ पे आपको लगता है जैसे फोर हेड हो गया वहाँ बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है नेक एरिया हो गया वहाँ पे बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है तो उस केस में आप अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन पे अगर आप स्पेसिफिकली सोच रहे हैं कि यहाँ पे टैनिंग मेरे को ज़्यादा है तो सिर्फ उसी सरफेस पर आप लगा सकते हैं अदरवाइज अब अगर आपको पूरे फेस पे लगता है कि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है सो तो ये इल्यूमिनेटिंग ग्लो डी टैन पॉलिश आप यूज़ कर सकते हैं इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये एट्टी फाइव ग्राम का पैकेज है सिक्स नाइन ₹25 रुपीज का कई लोग ऐसे होते हैं जिनके टी-जोन एंड ये जो चिन वाला एरिया है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम होती है उस केस में आप चारकोल डिटॉक्सिफाइंग मास्क सिर्फ इन्हीं सिर्फ एरिया पे आप लगा सकते हैं अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा फेस जो है डर्ट इम्प्योरिटीज से एकदम बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है एंड यू वांट टू यू नो डिटॉक्स देम तो आप पूरे सरफेस पे पूरे फेस पे आप यूज कर सकते हैं सो इन दैट केस आई वांट यू टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम डॉट एन की ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसको आप 10 से 15 मिनट अपने फेस पे लगा के रख सकते हैं सो so ये जो डॉट एन की का डिटॉक्सीफाइंग मास्क है इसको आप अपने जो फेस है थोड़ा सा गीला कर लीजिए अगर आपको कोई डिफाइंड एरिया है मान लीजिए जैसे टी जोन या फिर इस वाले सर्फेस पे अगर आप सिर्फ यहाँ पे यूज़ करना चाहते तो यहाँ यूज कर सकते हैं अदरवाइज आपको अगर प्योरली अगर डिटॉक्सिफाई करना है अपना स्क्रीम तो आप पूरे सरफेस पे भी लगा सकते हैं इसके अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो ये 85 ग्राम का पैकेज है एंड इट इज़ ऑफ सिक्स ट्वेंटी सो जनरली हम पोल्यूशन डर्ट की वजह से अपने फेस को के डलने से परेशान रहते हैं हमेशा सुबह ग्लो होके बाहर निकलते हैं एंड जब घर पर आते हैं तो वो ऑलरेडी ऐसे कैसा सा एकदम डल सा लगता है ये समझ में नहीं आता ये हमारा ही फेस है या किसी और का तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से अगर आपके पोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा क्लॉग हो गए हैं एंड आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है तो रिवाइटलाइज करने के लिए आप अपने स्किन को पिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं डॉटिन की का एंड दिस इज द वाइटमिन सी क्ले एंड दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक एंड इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये एट्टी फाइव ग्राम का ही पैकेट है एंड इट इज ऑफ एट फोर्टी फाइव रुपीज दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक वेरी क्यूट अगर आपके ये जो पर्टिकुलर ये जो सरफेस होता है ना चीक बोन वाला ये सरफेस यहाँ पे आपके पोर्स बहुत ज़्यादा हैं क्लॉग तो हो गए हैं तो उनको अनकलॉक करने के लिए आप इस मास्क का आप यूज़ कर सकते हैं दिस मास्क इज टू रिमूव द डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ सो इस मास्क को आप ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पूरे फेस पे यूज़ करना है एंड आपको अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डर्ट एंड पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है या फिर अगर घर में भी बैठे बैठे आपको फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्किन पे डलनेस हो गई है तो यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ मास्क की so, का नया लॉन्च है जिस इज द ए एच ए स्लीपिंग मास्क ये जनरली आपको रात में आपकी जो भी रूटीन है उसको करने के बाद फेस like को क्लीन करना है so, देन टोनर अप्लाई करने के बाद सिरम लगाना होता है ये सारे स्टेप्स करने के बाद हम ए एच ए स्लीपिंग मास्क ऑफ डॉटिनकी इसको हम यूज करेंगे सो दिस ट्वेल्व परसेंट लैक्टिक एसिड एंड टू परसेंट एसिड तो so, इसका बेसिकली काम ये होता है कि जितने भी डेड सेल्स होते हैं आपके स्किन के उसको लूजन अप करता है और आपके स्किन सरफेस से उसको रिमूव करता है ओवरनाइट आप इसको लगा के छोड़ देंगे ताकि रात भर ये अपना काम करे। मेरी माने आप तो आप इसको इस स्लीपिंग मास्क को हफ्ते में सिर्फ दो बार यूज कर सकते हैं एंड यू आर डन फॉर द एंटायर वीक अब मैं आपको बताती हूँ यूज करना है जैसे ही आपने नाइट के स्किन के रूटीन को पूरा कंप्लीट कर लिया लास्ट स्टेप में आप इसको यूज करेंगे एंड दिस इज हाउ द क्यूट पैकेजिंग लुक्स लाइक ये इसका क्यूट सा कैप है इसको ओपन करने के बाद नाउ दिस इज द कैप इसको आप इसको हटाएंगे यहाँ से सो दिस इज हाउ दिस इट इज इन जेल फॉर्म ये जेली लाइक स्ट्रक्चर में है और बहुत ही ईजिली आप इसको स्कूप कर सकते हैं सो so इसके साथ ये स्पैचुला आता है जिसको आप अच्छे से इस तरह से निकाल सकते हैं मैंने आप देख सकते हैं काफी बार यूज भी कर लिया है मैं चाहती थी कि आपको इसका रिव्यू मैं यूज करने के बाद ही दूँ सो दिस इज हाउ आई हैव डन अब क्योंकि शाम हो चुकी है शाम के छः साढ़े छः बज रहे हैं और मुझे घर पे कहीं भी नहीं जाना है तो मैंने मुंह हाथ धो के अपना यू नो जस्ट और आज मेरे पास ज़्यादा काम भी नहीं है तो आई बी रिलैक्सिंग सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन योर फेस अच्छे से आप अपने पूरा जो स्किन के रूटीन है उसको करने के बाद दिस तो इज स्लीपिंग मास्क तो इसको आप प्रेफरेबली सोने के पहले आप अप्लाई कर सकते हैं दिन में बिल्कुल भी मत लगाइएगा इसको सो गाइज आव मेन्ेंशन ऑल द प्रोडक्ट इन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो गो एंड चेकआउट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए आई विल मोर देन हैप्पी टू क्रिएट इड फॉर यू ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉर गेट टू गिविव इट अ बिग फैट थल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज